एमएस श्याम लाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 6 करोड़ की लागत से सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सीटी स्कैनिंग मशीन लगाई जा रही है, जो कि पीपी मोड पर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आगामी 1 हफ्ते में यह मशीन शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि किफायती दामों पर लोगों को अब सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी और इसका सीधा सीधा लाभ सोलन, सिरमौर एवं शिमला के लोगों को मिलेगा। है हम सबके लिए, सोलन के निवासियों के लिए और हॉस्पिटल के लिए, हमारे सब लोगों के लिए, खासकर जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, जो परेशान थे अभी तक कि सीटी स्कैन जो है ना हॉस्पिटल में है नहीं, तो आज वो बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम जो है सीटी स्कैन मशीन को अनलोड कर पाए हैं और ये सीटी स्कैन जो है ना बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। पीपी मोड में लग रही है मशीन, ये सीटी स्कैन की मशीन। उनसे बात की तो वो 4 या 5 दिन बता रहे हैं कि इसमें इंस्टॉलेशन में लग जाएंगे हमारे। जहाँ तक लागत की बात है, मशीन बहुत महंगी होती है, पता है आपको, और ये मशीन जो ना हमारी पहली वाली मशीन सीटी स्कैन मशीन से 16 गुना ज़्यादा अच्छी है। इसकी कॉस्ट तकरीबन जो है वो 5 और 6 करोड़ के बीच में है, जो मेरे को जो ना कंपनी के लोगों ने बताई। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।